Hey guys, I'm Abhishek Srivastava. Welcome to New Gurukul Center of Excellence. मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल New Gurukul Center of Excellence पर हार्दिक स्वागत करता हूँ. आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से जुड़े कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता. हम यूज तो करते हैं उनको, हम अपने डेली लाइफ में, आई मीन स्टडी की लाइफ में उनको लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं, बट हमें पता नहीं होता रियल में आखिर वो है क्या. जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, जो लेटर्स यूज कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता वो लेटर्स हैं या कोई शेप है जो बना देगी. जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, एक हम लोग वर्ड बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं ना, जो कि ऐसे बनाते हैं. डेल्टा को बनाते हैं कि नहीं, डेल्टा ऐसे बनता है. हम क्या यूज करते हैं? फाई यूज करते हैं. फाई फाई ऐसे बनाते हैं ना, PHI फाई फाई ऐसे बनाते हैं ना. तो भाई हमें पता नहीं होता कि कोई शेप है कि हमने वो जैसा बनाया, बीच में क्या किया, एक लाइन डाल दी, बीच में एक लाइन खींच दिया. हमने एक ट्रेंगल बना दिया, उसको डेल्टा बोल दिए. हमने एक ट्रेंगल बनाया, उसको डेल्टा बोल दिए. आपने सुना होगा गामा बोलते हैं ना, गामा. पता चला हमने उल्टा वाई बना दिया, गामा हो गया. ये देखो हमने क्या किया, गामा कैसे बनता है, ये गामा हो गया. ये क्या बेटा, गामा हो गया. ये तो होता है ना गामा, ऐसे बनाते हैं हम लोग, अल्फा बीटा गामा. पता चला हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, साई पढ़ते हैं. साई जो कि त्रिशूल जैसा होता है, ऐसे साई, इसको साई पढ़ा जाता है. साई बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं साई, PSI साई. तो ये सब चीजें है क्या? हम तो यूज कर लेते हैं कि साई ऐसे बन गया, काई ऐसे बन गया, अल्फा ऐसे बन गया, बीटा ऐसे बन गया, बट हमें पता नहीं होता है. हम ओनली यूज कर लेते हैं कि भाई हाँ ये काई हो गया, ये साई हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये हो गया डेल्टा, ऐसे हो गया ओमेगा, डब्ल्यू जैसा बना तो ओमेगा हो गया, हल्का सा ऐसे टो बना दो, टो भी पढ़े होंगे आप लोग, टो टाउ बोलते हैं इसको, टाउ. ये भी आखिर ये सब है क्या? जैसे अभी आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, सपोज आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आप लोग वहां पर क्या कर लिए, आप लोग सपोज को एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ट्रेंगल का, ट्रेंगल या रेक्टेंगल कुछ भी ले लो. सपोज आप एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके पास है एक रेक्टेंगल, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने इसकी नेमिंग कर दी ABCD. अब कोई अगर आपसे पूछते हैं बेटा ABCD क्या है, ABCD क्या है, तो आप क्या बता दोगे? आप बताओगे ना ABCD क्या है. अब हम कन्वीनियंस के लिए ABCD क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए हैं, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर हैं. ये तो बोलेंगे ना, इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स हैं. यहाँ पर हम ABCD के अलावा भी और चीजें मान सकते थे उन्हीं लेटर्स में से. लाइक कभी कभी हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर क्या मान लेते हैं, लेट्स x इक्वल टू ये, y इक्वल टू वो, ऐसे मान लेते हैं ना, x इक्वल टू इतना, x y इक्वल टू उतना, ऐसे हम लेट्स कर लेते हैं, आई मीन सपोज कर लेते हैं, कंसीडर कर लिया जाता है. लेकिन वहां पर कोई पूछता है कि x क्या है, तो आप बता दोगे हाँ सर जी x जो है इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर है, उसका यूज हम मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में करते हैं, आई मीन कहीं कहीं केमिस्ट्री में भी करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में. तो ऐसे ही जो अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, डेल्टा होता है, साई होता है, काई होता है, ओमेगा होता है, टाउ होता है, और आप जब 12th में जाते हो, 12th में तो एक टर्म है, एक लेटर है बहुत फेमस है, जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन. हमें पता नहीं होता है एप्सिलॉन क्या है, लेटर है या कुछ ऐसे ही, ऐसे ई का बिगड़ा हुआ रूप है, ऐसे बनाते हैं ना ये लो, तीन को खराब कर दो बन गया एप्सिलॉन, उल्टा कर दो या ई को बेकार सा लिख दो, एप्सिलॉन बन गया. तो हमें पता ही नहीं होता कि एप्सिलॉन होता क्या है, एप्सिलॉन कोई शेप है, कोई लेटर है, ये चीज हमें नहीं पता होती. तो बेटा हम लोग कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं, हम जानने चल रहे हैं. देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई जादू नहीं है कि हम जानते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी. इसमें मैं अभी बताऊंगा, एक बार में एक चुटकी में आपको याद हो जाएगा और जिंदगी भर याद रहेगा. चलो अब हम देखने चल रहे हैं उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो अपने फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में यूज करते हैं. आई मीन हम पढ़ते हैं अल्फा पढ़ते हैं, बीटा पढ़ते हैं, गामा पढ़ते हैं, लेमडा पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं, टाउ पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं बेटा, शाई पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं, काई पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, और बताओ, एक दो आप बताओ, आप बताओ, बताओ 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 बताओ, एक दो नाम आप भी बता दो बेटा. एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन जो आप पढ़ते हो 12th क्लास में, एप्सिलॉन. और क्या पढ़ते हो, लेमडा पढ़ते हो, डेल्टा पढ़ते हो, थीटा पढ़ते हो बेटा, थीटा. देखो थीटा वगैरह है क्या, थीटा वगैरह ऐसा नहीं कोई शेप है, गोल गोल कर दो, बीच में डंडा बना दो, थीटा हो गया. और आपको बताने चल रहे हैं जादू, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये ग्रीक लेटर्स हैं बेटा. लोग ये क्या है, ग्रीक लेटर्स हैं, और इसका कुछ आंसर नहीं है. जैसे अपना अल्फाबेट, जैसे अपनी लैंग्वेज होती है अपनी, आई मीन अपनी नहीं, जो हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज नहीं है, डोंट वरी, सॉरी. जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं,
और हम अपने अपने जब हम खुद कोई सॉल्व कर रहे होते हैं कोई क्वेश्चन, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो उन्हें हम यूज करते हैं ना, उन्हें लेटर्स में से जो हम यूज करना होता है, एक्स वाई जेड यूज कर लें, ए बी सी डी यूज कर लें, जो भी यूज करना रहता है हम यूज कर लेते हैं, यही तो करते हैं। सेम वैसे ही अपने फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में जो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, जो लेटर्स यूज किए जाते हैं, वो ग्रीक लेटर्स हैं। कौन से लेटर्स हैं? ग्रीक लेटर्स हैं। और जो ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं उसमें 24 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से लेटर्स, कितने लेटर्स होते हैं? 24 लेटर्स होते हैं। समझ लो जनरल नॉलेज की चीजें हैं, ये हमको पता होनी चाहिए। सबको नहीं पता होती है, लेकिन आप पढ़ रहे हो हमारे चैनल पर, आप पढ़ रहे हो हमसे, तो आपको जरूर पता होना चाहिए। बिकॉज आप पढ़ रहे हो हमारे पास, हम पढ़ाते हैं एकदम बेस से बेटा, हम आपको पॉइंट से एकदम जीरो से शिखर पर ले जाएंगे, जीरो से टॉप पर। फिर आप खुद को नहीं पहचान पाओगे यहाँ पढ़ने के बाद, कुछ दिन पढ़ो तो सही हमसे, ठीक है ना? चलो अब देखते हैं। ठीक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम अल्फा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं बेटा, जो अल्फा बोलते हैं, अल्फा क्या होता है? अल्फा आप कैसे बनाते हो? अल्फा ऐसे बनाते हो ना, ऐसे बनाते हैं ना अल्फा। तो ये अल्फा क्या होता है? ये अल्फा जो है ग्रीक जो लेटर्स है, ग्रीक लेटर्स का, ग्रीक अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर है। अल्फा जो है, अल्फा क्या है? ग्रीक अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर है। और इसको जैसे अपने लोग स्मॉल लेटर लिखते हैं, कैपिटल लेटर लिखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं ना, स्मॉल लेटर भी लिखते हैं और कैपिटल लेटर लिखते हैं, वैसे ही सेम ग्रीक लेटर में भी स्मॉल लेटर होता है और कैपिटल लेटर होता है। दो लेटर्स होते हैं वहां पर भी, स्मॉल लेटर्स होते हैं और कैपिटल लेटर्स होते हैं। जैसे हम लोग ए बनाते हैं, वो भी कैपिटल लेटर में, अल्फा को ए ही बनाते हैं, बट स्मॉल लेटर में अल्फा को ऐसे बनाया जाता है। जब हम लोग बीटा लिखते हैं, बीटा को भी कैपिटल लेटर में, ग्रीक वर्ड में भी बी ऐसा बनाया जाता है, बट जो ग्रीक वर्ड में स्मॉल लेटर्स होते हैं उसमें बीटा को ऐसे बनाते हैं, ये हो जाता है बीटा, ये है बीटा। उसके बाद हम बोलते हैं गामा, बोलते हैं ना गामा। तो गामा को जैसे देखो आप लिखा है, हमने पूरा टेबल ला दी है, जो ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं, ग्रीक अल्फाबेट्स की टेबल है ये, आपको दिख रहा होगा गामा कैसे बना है। गामा बगल में कैपिटल लेटर में गामा लिखा है, और साथ साथ में मतलब जितने भी लेटर्स लिखे हैं कैपिटल लेटर्स में भी लिखे हैं और स्मॉल लेटर्स में भी लिखे हैं। आई थिंक आप समझ रहे हो बात को समझ रहे हो आप। आगे देखते हैं डेल्टा, देखते हैं डेल्टा जो एक ट्रायंगल जैसा डेल्टा बनाएंगे, समझ लो कैपिटल लेटर है, और जब एस जैसा बनाते हैं तब वो समझ लो स्मॉल लेटर है। एप्सिलॉन देखो बेटा, एप्सिलॉन कैपिटल ई जो है, जैसे हम कैपिटल ई बनाते हैं ऐसे वहां पर भी कैपिटल लेटर में ई लिखते हैं, बट उस ई का बिगड़ा हुआ जो फॉर्म होता है वो एप्सिलॉन हो जाता है। क्या हो जाता है? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जो हम पढ़ते हैं ना, जो पढ़ते हैं एप्सिलॉन, जिसको हम बोलते हैं क्या, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या हिंदी में बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है ना। हम बोलते हैं जैसे हम ईटा यूज करते हैं, ईटा जानता में विस्कोसिटी में यूज करते हो ना, ईटा का यूज करते हो, एंगल बनाते हो थीटा का यूज करते हो, तो आप देख रहे हो ना ईटा दिख रहा है आपको, मतलब एप्सिलॉन के बाद में पहले जेटा आता है, जेटा के बाद आता है ईटा, ईटा आता है, ईटा के बाद क्या आता है, थीटा आता है जो हम एंगल में यूज करते हैं, फिर आयोटा आता है। जब आप इमेजिनरी नंबर पढ़ते हो, आई मीन सम्मित्र संख्याएं पढ़ते हो आप, वहां पर आयोटा का यूज होता है। आई बनाते हो ना भाई, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा को आप आई बोलते हो वहां पर, आई साइन थीटा, वही है वो आयोटा। हम कप्पा पढ़ते हैं, कप्पा शायद अभी हमारे 12th तक के सिलेबस में नहीं, आगे जब हायर स्टडीज करोगे वहां पर कप्पा भी आएगा, के स्मॉल के। फिर पढ़ते हैं लेमडा, उल्टा हुआ है, लेमडा पढ़ते हैं ना, लेमडा क्या, वेवलेंथ, अपने यहाँ वेवलेंथ बोलते हैं ना, लेमडा से वेवलेंथ को इंटरनोट करते हैं ना बच्चे लोग। म्यू बोलते बेटा, म्यू तो जानते हो, सब कुछ जानते हो, म्यू जानते हो, न्यू जानते हो, न्यू बोले तो भाई फ्रीक्वेंसी है ना लाइट की, न्यू को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जाई होता है, ओमिक्रॉन होता है, पाई होता है, जैसे पाई बेटा अभी पाई का कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। पाई जो है ना, जैसे अपने इंग्लिश में, अब इंग्लिश अल्फाबेट में जो 16वां लेटर है कौन सा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है ना, आपको याद तो होगा नहीं, अब काउंट करने पड़ जाओगे अभी, जो वैसे ही 16वां लेटर ग्रीक लेटर, ग्रीक अल्फाबेट में 16वां लेटर जो पाई है, क्या है, पाई, जो पाई यूज करते हैं हम लोग, पाई वाला, पाई बेटे साथ वही वाला पाई, हम रो यूज करते हैं बेटा, डेंसिटी वाला रो, तो रो क्या है, यही रो है। आगे देखो, रो देख रहे हो ना, सिग्मा देख रहे हो, सिग्मा को जब हम ऐसे बनाते हैं, सिग्मा को अगर हम जेड जैसा बनाए, ऐसे बनाते हैं सिग्मा, अगर उल्टा ऐसे एम जैसा बनाते हैं गिरा के, आई मीन हॉरिजॉन्टल, तो ये पता क्या होता है, ये कैपिटल वाला सिग्मा है, और ये क्या है, ये भी सिग्मा है, ये स्मॉल लेटर में सिग्मा है, दोनों सिग्मा ही है, ठीक है ना। तो बनाते हैं तो जानते ही हो, बताने की जरूरत है नहीं। अब साइलेंट, एक एफ साइलेंट होता है, एक अप साइलेंट होता है, एक होता है फाई, फाई 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 फाई, जानते हो ना,
हाँ, जिससे एंगल मेजर करते हो, फाई वही वाला। फाई जानते हो, काई जानते हो, साई भी होता है, साई जो त्रिशूल जैसा होता है, एंड ओमेगा भी होता है। ओमेगा आई थिंक आपको समझ में आया होगा लेटर्स आते कहाँ से, ये आते कहाँ से। इनमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की चीजें नहीं है, बट आई थिंक इन चीजों को जानना जरूरी है। कोई पूछ ले तो हम क्या बताएंगे। अब आई थिंक आपको पता हो गया होगा कि लेटर्स होते क्या है, जो हम यूज करते हैं, टर्म्स यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वो जस्ट कुछ नहीं है, वो जस्ट लेटर्स हैं। ग्रीक वर्ड्स के लेटर्स हैं, ग्रीक लैंग्वेज जो है, ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं, ठीक है ना। जो ग्रीस लैंग्वेज होती है वहाँ के लेटर्स हैं ये, और ग्रीक अल्फाबेट्स जो होते हैं 24 लेटर होते हैं, वही 24 लेटर्स का यूज हम अपने फिजिक्स में एंड मैथमेटिक्स में करते हैं। तो क्लास आई थिंक आपको आज की नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पाई के कॉन्सेप्ट के साथ में। हम अगले लेक्चर में सीखने वाले हैं पाई का कॉन्सेप्ट, पाई का रहस्य क्या है, सीक्रेट बिहाइंड पाई। ओके क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो।